सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। अभी मैंने आपको बताया है रोच थ्योरम क्या होता है, उसी थ्योरम के रिजल्ट का यूज़ करके हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि MSc कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है डिटरमाइन द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये जो हमें इक्वेशन गिवन है z^7 − 4z³ +z − 1 = 0, इस इक्वेशन के नंबर ऑफ रूट्स डिटरमाइन करने हैं, निकालने हैं, वो भी mod z = 1। ये जो सर्कल है इसके अंदर कितने रूट्स होंगे इस इक्वेशन के, ये हमें बताना है। तो अभी मैंने आपको रोच थ्योरम बताई है, एक बार मैं रिवाइज कराती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि उस रिजल्ट का, उस थ्योरम का यूज़ हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कैसे करेंगे। रोच थ्योरम क्या कहती है कि हमने दो फंक्शन लेना है f(z) and g(z), और ये दोनों फंक्शन एनालिटिक होने चाहिए। कहाँ पर? एक सिंपल क्लोज्ड कंटूर C में, इसके अंदर और इसकी बाउंड्री पर, ये दोनों फंक्शन एनालिटिक होने चाहिए। ठीक है, ये हमारा हाइपोथेसिस है। यहाँ पर ये होना चाहिए तब हम रिजल्ट अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट हाइपोथेसिस। एंड सेकेंड क्या है कि जो मॉडुलस वैल्यू है gz की, वो fz के मॉडुलस वैल्यू से छोटी होनी चाहिए। और किसके लिए? वो सारे z जो कि c की बाउंड्री पर हैं, जो कि c मतलब सिंपल क्लोज्ड कर्व की बाउंड्री पर हैं, उन सारे पॉइंट्स के लिए ये कंडीशन, ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तब ये थ्योरम हमें एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट देती है कि जो फंक्शन fz है और फंक्शन fz + gz, इन दोनों फंक्शन के लिए नंबर ऑफ ज़ीरोस सेम होते हैं, नंबर ऑफ ज़ीरोस आर इक्वल इन दोनों के लिए, fz फंक्शन के लिए भी और fz + gz के लिए भी। और ये दोनों फंक्शन के लिए नंबर ऑफ ज़ीरोस इक्वल होते हैं, वो भी इनसाइड C। ठीक है, नंबर ऑफ ज़ीरोस आर सेम, वो भी इनसाइड C। जो सिंपल क्लोज्ड कंटूर है उसके अंदर नंबर ऑफ ज़ीरो सेम होते हैं, ये रिजल्ट हमें बताता है काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, आपको ऑर्डर काउंट करके बताना है, तो वो सेम होते हैं। तो देखिए, ये रिजल्ट हमें इनसाइड C के लिए नंबर ऑफ ज़ीरोस बता रहा है, इसलिए हम ये रिजल्ट का यूज़ यहाँ करेंगे। क्योंकि हमें ये क्वेश्चन में भी यही बोला है कि अगर ये हमारा सर्कल है, सर्कल जो होता है वो सिंपल क्लोज कंटूर होता है, और ये सर्कल क्या है, mod z = 1 है। इसका मतलब कि ये एक ऐसा सर्कल है जिसका रेडियस 1 है और सेंटर ओरिजिन है। ठीक है, सो दिस इज mod z = 1। और इस सर्कल के अंदर इस इक्वेशन के कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे ये हमें निकालना है, तो हम इसी रिजल्ट का यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें दो फंक्शन चाहिए, fz और gz। तो हम इसी में, ये जो हमारी इक्वेशन है, इसी में fz और gz निकालेंगे। कैसे? हम यहाँ पर ये हमें खुद सपोज करना है, लेट fz = −4z³। ये जो टर्म है सेकेंड टर्म, इसको मैंने fz फंक्शन मान लिया, एंड gz मैंने किसको मान लिया, इसके अलावा इसके रिमेनिंग जो पार्ट बचा है इक्वेशन का, z^7 + z − 1। सो ये सपोजिशन हमने कैसे किया है ये आप जानेंगे जब आप इसके इस टाइप के क्वेश्चंस को और ट्राई करेंगे। मैं 2-3 क्वेश्चंस कराऊंगी, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि हम ऐसे सपोज क्यों करते हैं, हमने इसको क्यों नहीं लिया f, इसको क्यों नहीं लिया g, क्योंकि वो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होना चाहिए तभी हम ये थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए ये तो सेटिस्फाई हो रही है, हमें क्या करना है, सबसे पहली कंडीशन कि f और g दोनों एनालिटिक होने चाहिए सर्कल की बाउंड्री पर और इनसाइड। तो आप देख सकते हैं ये फंक्शन तो एवरीवेयर एनालिटिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो ईजिली इस सर्कल में एनालिटिक हो जाएगा। लेकिन जब ये कंडीशन की बात आएगी तब हमें यही सपोज करना है, क्योंकि जब आप मॉडुलस वैल्यू निकालेंगे, चलिए देखते हैं,
सबसे पहले मैं लिख देती हूँ दिस फंक्शन, ओके, फंक्शन एफ जेड एंड जी जेड आर एनालिटिक इनसाइट एंड ऑन दी सर्कल, लिख लीजिए ऑन दी सर्कल, क्या इक्वेशन है, मॉड जेड इज इक्वल्स टू वन, ये सील मान लीजिए इसको, ठीक है। सो ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई रोज थ्योरम की, ओके। एंड फॉर द सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन क्या कहती है, हमें मॉडुलस वैल्यू निकालनी है फंक्शन एफ की और जी की, और ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करानी है। तो फंक्शन एफ का मॉडुलस वैल्यू क्या होगा, ये होगा मॉडुलस ऑफ 4 माइनस 4 जेड क्यूब, एंड दिस इज इक्वल टू 4 मॉड जेड क्यूब, ओके, ठीक है। अब ये हमें किसके लिए देखना है, z, वो सारे पॉइंट्स जो c की बाउंड्री पर है। तो c की बाउंड्री पर z कितना है, इस बाउंड्री पर z की वैल्यू कितनी है, 1 है, रेडियस इसका 1 है, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ z कितना हो जाएगा, 1, तो हम यहाँ रख देंगे 1, तो ये हो जाएगा हमारा 4, ठीक है, कहाँ पर, ऑन c, इसको नाम दे दीजिए c, ठीक है। तो ये हमारा 4 आ गया, मॉडुलस ऑफ fz कितना आ गया, 4। अब हम निकालेंगे मॉडुलस ऑफ gz, ये कितना है, z टू द पावर 7 प्लस z माइनस 1, तो ये भी क्या होगा, दिस इज लेस देन इक्वल टू मॉड z टू द पावर 7 प्लस मॉड z प्लस 1, ओके। ये इनइक्वालिटी हमने लगा दी है मॉडुलस की, आप जानते होंगे ये इनइक्वालिटी, ठीक है, मॉड ऑफ a माइनस b is less than equal to mod a plus mod b, इसी तरह से पावर्स के लिए भी होती है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, जब हम ऑन c निकालेंगे, c पर mod of z कितना है, 1 है, 1 रेडियस है, तो ये हो जाएगा 1 plus 1 3 ऑन c, 3 आ गया। अब आप देख सकते हैं gz clearly is less than fz, gz की वैल्यू fz से clearly less than है। अगर हम ये ना सपोज करके मैं इसको मानती g, इसको मानती f, तब आप देखते जब मैं मॉडुलस वैल्यू निकालती तो g की 1 आ जाती और f के, ओके सॉरी, f मानते इसको तो 1 आ जाता और g कितना आ जाता, 4 5 6 6 आ जाता, ठीक है। सो ये कंडीशन, ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं होती, इसलिए हमने ऐसा सपोज किया है कि ये इनइक्वालिटी ट्रू हो जाए। सो रोज थ्योरम की जो सेकेंड कंडीशन है, सेकेंड, वो इधर से सेटिस्फाई हो रही है क्लियरली। देखिए मैं लिख देती हूँ क्लियरली मॉड सी जेड इज लेस देन मॉड एफ जेड ऑन सी, या फिर लिख लीजिए फॉर ऑल जेड, वो सारे जेड जो कि सी पर है, उसके लिए देखिए जी जेड की वैल्यू 3 आई है और एफ जेड मॉडुलस की वैल्यू आई है 4, तो क्लियरली 3 इज लेस देन 4, तो ये सेटिस्फाई हो गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम रोज थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, तो हम लगा लेते हैं यहाँ पर रोज थ्योरम। सो बाय रोज थ्योरम क्या कहता है, रोज थ्योरम एफ जेड एंड जी जेड, एफ जेड एंड एफ जेड प्लस जी जेड हैज the same number of zeros, same number of zeros inside C, counting multiplicity, ये कहता है ये result, ये theorem कि function fz और fz plus zz दोनों के number of zeros जो होंगे वो same होंगे, counting multiplicity। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फंक्शन जो f है, ये दिस इज माइनस 4 जेड क्यूब, इसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हैं, आप सिंपली इसको लिख लीजिए एफ जेड इज इक्वल्स टू 0, तो माइनस 4 जेड क्यूब इक्वल टू 0 और जेड क्यूब इक्वल टू 0 हो जाएगा, जिससे z की वैल्यू 0 0 0 आ जाएगी, मतलब इसके ज़ीरोज़ कितने आएंगे, 3, और तीनों ज़ीरो हैं उसका हमें कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये रिज़ल्ट हमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ ओनली बताता है,
ठीक है, वो कौन से ज़ीरोज़ हैं, ज़ीरो किस पॉइंट पर है ये नहीं बताता रिज़ल्ट, ठीक है। तो हमने देखा कि फंक्शन एफ़ के नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हैं, 3, ठीक है। जब आप फंक्शन एफ़ जेड इक्वल टू 0 लेंगे तो z की 3 वैल्यूज़ मिलेंगी, क्योंकि इसकी पावर 3 है, हाईएस्ट पावर। तो 3 नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं फंक्शन एफ के इनसाइड सी, ठीक है। तीनों कैसे हैं, इनसाइड सी हैं, आप देख सकते हैं तीनों इनसाइड सी हैं। तो जो फंक्शन f प्लस जी आएगा हमारा, जो कि ये फंक्शन आएगा, जो कि हम नारी गिवन इक्वेशन है, तो उसके भी नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इनसाइड सी कितने हो जाएंगे, 3। तो 3 इज़ द आंसर। तो यहाँ पर सेंस fz हैज़ 3 ज़ीरोज़ इनसाइड सी, आप देख सकते हैं क्लियरली ये फंक्शन जो f है वो -4z³ है। इसको जब आप इक्वल टू 0 लेंगे तो z की हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसके 3 ज़ीरोज़ आएंगे और तीनों कैसे हैं, इनसाइड सी हैं। तो जो फंक्शन एफ जेड प्लस जी जेड होगा, देयरफोर फंक्शन एफ जेड प्लस जी जेड, जो हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा, z टू द पावर 7 -4z³ प्लस जेड -1। इसके भी नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ जो होंगे इनसाइड सी वो 3 ही होंगे, दोनों के सेम रहते हैं। ये हमारी रोज थ्योरम का रिजल्ट है। देयरफोर फंक्शन एफ जेड प्लस जी जेड हैज़ 3 ज़ीरोज़ इनसाइड सी, काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। हमने मल्टीप्लिसिटी काउंट की है, यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों ज़ीरोज़ 0 हैं लेकिन उनकी मल्टीप्लिसिटी 3 है, तो इसलिए ये 3 होंगे। और यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन था वो यही था कि इस इक्वेशन के कितने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं इनसाइड दिस सर्कल, तो वो हमारा कितना आ गया, 3। सो दिस इज़ आवर आंसर, एंड ये आंसर हमने निकाला है यूजिंग रोज थ्योरम।